Hello students, this is your science teacher and in the earlier video we have discussed about the relationship between work and energy and in this video we have to study about units of energy. So what is energy? Energy is the capacity to do work. So energy is measured in the same unit as work. Energy ko hum same unit mein measure kar sakte jise humne work mein measure kiya tha. Therefore the SI unit of energy is joule. And the symbol is J. Here. Now the next topic is different forms of energy. So energy एक तरीके से नहीं होती, जैसे energy को हम एक form से दूसरे form में transform करते हैं, वो कभी ना तो हम उसको create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं. तो ऐसे ही हमारे nature में हमने देखा कि बहुत side type की energy है. तो कुछ जो हमने important थी उनको, जैसे first है mechanical energy, second heat energy, a lot यानी 8 types की energy है. मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द लास्ट इज एटॉमिक एनर्जी और उसको हम और भी नाम से जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. सो हम एक एक करके उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी और सबके बारे में. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकेनिकल एनर्जी. द एनर्जी पर्सिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. यानी ऐसी एनर्जी जिसमें बॉडी रेस्ट में हो और उसको क्या किया जाए, हम एनर्जी लगाएं तो बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. या तो बॉडी मोशन में हो या तो किस में हो, रेस्ट में. तो ऐसे में हम उस पर एनर्जी जो लगाएंगे वो क्या कही जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी. तो ऐसी मैकेनिकल एनर्जी को भी हम टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं. एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे आपको इससे पता लग रहा हो कि मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स की है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. हम इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की डिटेलिंग इन सब एनर्जीज के टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ने के बाद डिटेलिंग करेंगे. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द बॉडी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगाई है वो दोनों के सम के बराबर होगा. जस्ट लाइक अ कार इन मोशन एंड एन एरो ऑन अ स्ट्रेच्ड बो ऑल हैव मैकेनिकल एनर्जी. दीज टू पिक्चर्स आर शोइंग द मैकेनिकल एनर्जी. दोनों के पास क्या है, कार मोशन में है, इट मींस मैकेनिकल एनर्जी. बो को हमने स्ट्रेच किया तो क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी. ओके बेटा. हीट एनर्जी यानी अगर हम बॉडी को रेस्ट में ले जा रहे हैं या बॉडी को मोशन में, दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. हीट एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी बर्न एनीथिंग लाइक कोल, ऑयल, वुड और गैस इज कॉल्ड हीट एनर्जी. अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं जैसे, उससे हीट रिलीज होती है. द एनर्जी रिलीज व्हेन वी बर्न एनीथिंग, हम किसी चीज़ को जलाए और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ हीट एनर्जी. जैसे कोल है, ऑयल है, वुड है और गैस है. अब जब इनको बर्न करते हो तो आप देखते हैं कि आप ऊपर हाथ लगा के देखेंगे तो इनमें गरम गरम सापन, दैट जो वो आपको हॉटनेस नज़र आ रही है ना, हॉट चीज़ें जो फील करें आप हॉटनेस, दैट इज़ नोन एज हीट एनर्जी. एंड इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी हीट सम वाटर इन अ केटल. ऐसा नहीं है, हीट के वजह से ही हम सारे खाने पकाते हैं, सारा खाना जो कुक होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट. सो हीट एनर्जी के तो बहुत सारे यूजेस हैं. सो इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस, हमारा ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि हम इफ़ वी हीट सम वाटर इन अ केटल, जैसे हम केटल में सम वाटर रख के उसको हीट करेंगे विद अ लिड ऑन इट, उसमें ऊपर से लिड लगा देंगे तो क्या होगा, वी नोटिस कि जो दैट एज द वाटर बिगेंस टू बॉयल, जैसे जैसे वाटर बिगेंस होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, द स्टीम मेक्स द लिड टू लिफ्ट अप. वैसे वैसे वो क्या करते हो, जैसे हम किसी उसके जो लिड लगा होता है या उसका सिंपल लैंग्वेज है कि जो कैप लगा होता है वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आने लग जाए, थोड़ा मूव करने लग जाए, बिगिंस टू बॉयल जैसे जैसे वो तो लिफ्ट अप, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आने लग जाएगा. दिस इज़ एक्चुअली जस्ट कि हीट एनर्जी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम. क्या है, हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम विच मूव्स द लिड अप. वो क्या कर रहा है, जो हीट एनर्जी स्टीम के फॉर्म में आ रही है वो लिड को ऊपर की तरफ कर रही है. तो जेम्स वॉट इन द ईयर ऑफ 1765, जेम्स वॉट थे जिन्होंने 1765 में ये नोटिस किया, इन्वेंट किया. इसी बेसिस पे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, जेम्स वॉट ने 1765 में इन्वेंटेड अ स्टीम इंजन इन विच ही
हीट द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज यूज टू डू वर्क. उन्होंने एक ट्रेन चलाई किससे, स्टीम. हमने पढ़ा है ना स्टीम इंजन क्या होता है, तो स्टीम इंजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट. एंड आप देख रहे हैं ऐसे ही उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट को नोटिस किया, उसके बाद उन्होंने स्टीम इंजन यानी स्टीम ट्रेन का डिस्कवरी किया. तो ये आप देख रहे हैं केटल में वाटर रखा है, जैसे उसको हीट लगी उसने बॉइल करना स्टार्ट कर दिया, स्टीम निकली तो उसकी जो लिड है देखिए वो ओपन हो गई है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव हो गई है. सो हीट एनर्जी ऑफ अ स्टीम मूव्स अप द लिड. तो हीट एनर्जी क्या करती है, जो ऊपर कैप लगा होता है उसको मूव करने में हेल्प करती है. लाइट एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ विच अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन. लाइट एनर्जी हमारे डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम, हमारी सुबह होती है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे जस्ट बिकॉज लाइट इज़ प्रेजेंट इन आवर एटमोसफियर. तो वो लाइट कौन सी होती है, सनलाइट. अगर हम घर के रात में अपने कमरे में बैठे और हमने स्विच ऑन कर दिया तो क्या जलती है, स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है और लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए. तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी. वी डू नॉट फील लाइट एनर्जी, हम लाइट एनर्जी को फील नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑर्डिनरी लाइट डज नॉट मूव द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. वो हमारे आसपास से मूव नहीं करती ऑब्जेक्ट्स के. बट अ स्ट्रॉन्गर बीम ऑफ लाइट कैन मूव स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स के. सो वी हैव रेड इन क्लासिक्स, हमने क्लासिक्स में पढ़ा होगा आपने कि दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड कास्ट अ शेडो ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट. वो क्या करती है, ओपैक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होती है उसकी वो शेडो बना लेती है. सो द प्लांट्स कन्वर्टेड लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. आपने पढ़ा है ना कि प्लांट्स दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना. सनलाइट की हेल्प सुनाते हैं, दैट सनलाइट इज वॉट इज अ लाइट एनर्जी एंड दैट लाइट एनर्जी इज हेल्पिंग टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी सनलाइट मिलेगी वो फूड प्रिपेयर करेंगे, CO2 इन सब चीज़ों से मिलाकर CO2 और वाटर को मिक्स करके, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और जो रिएक्शन होगा दैट इज़ फॉर्मिंग द केमिकल एनर्जी एंड दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. एंड द फोर्थ एनर्जी इज केमिकल एनर्जी, द एनर्जी पजस्ड बाय फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, गैस एक्सेट्रा. ऐसी एनर्जी जो हमें फ्यूल्स के बर्न करने से मिले दैट इज़ नोन एज केमिकल एनर्जी. द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल और डीजल इज कैपेबल टू मूव अ कार और अ ट्रक. ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, हमें हेल्प करती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, केमिकल एनर्जी है. जो कार को, ट्रक को या जो भी ट्रांसपोर्ट डीजल एंड पेट्रोल से चलते हैं उनको ट्रैवल करने में हेल्प करती है. द फूड दैट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से बनता है, गैस से बनता है. दैट पजेस अ केमिकल एनर्जी एंड मेक अस टू डू वर्क, है ना. फिफ्थ है साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी क्या होती है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी पजेस साउंड एनर्जी. कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो साउंड एनर्जी बस साउंड प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज़ नोन एज साउंड एनर्जी. व्हेन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी रीचेज आवर ईयर मेम्ब्रेन. जब भी फॉर एग्जांपल आप लोग सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में जब वाइब्रेशन होता है तो आप देखते हैं ना कि मोबाइल के वाइब्रेशन से कुछ साउंड निकलता है. सो वी हीयर द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, हम उसके वाइब्रेशन से उसकी चीज़ों को पहचान लेते हैं. वी कैन हीयर साउंड व्हेन द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज़. दिस इज 20 to 20,000 एंड दिस इज़ हर्ट्ज़ होना चाहिए. यहाँ पर आपके 20 हर्ट्ज़ to 20,000 हर्ट्ज़ होना चाहिए. यानी अगर वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होगा तभी हम उसको सुन पाएंगे. ऑन द अदर हैंड लेकिन सम ऑफ द एनिमल्स लाइक बैट है कैन हीयर अ साउंड ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड अबव, इसके 20,000 हर्ट्ज़ के अबव भी वो वाइब्रेशन के साउंड को सुन सकते हैं. ऐसा कौन सा एनिमल है, बैट. फॉर एग्जांपल अ टर्निंग फोर्क व्हेन स्ट्रक जेंटली. टर्निंग फोर्क क्या होता है, आपने कभी लेबोरेटरी में देखा होगा कि दो यू शेप का होता है, ऊपर यू शेप का रहता है और एक स्टिक नीचे लगी रहती है. अभी आपको दिखा रहे हैं दिस वन, ये है टर्निंग फोर्क. अ नंबर रबर पैड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एज शोन इन द फिगर. व्हेन दीज वाइब्रेशन रीच टू आवर, इसकी वाइब जैसे हम इसको पुश करेंगे इस तरीके से तो इसमें से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होने लगेंगे और वो हमारे कानों तक पहुंच के हमें उसका साउंड सुनाई देगा. तो हम उसके ही वी या इन्होंने देखिए क्या लगा रखा है सर में, हेड में क्या लगा रखा है, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग दिस वाइब्रेशन रीच द ईयर ऑफ अ बॉडी. वो रबर टाइप का जो ईयरफोन जैसा होता है, हेडफोन टाइप का उसने लगा रखा, लेकिन उस वाइब्रेशन से उसके पास
उसका साउंड जा रहा है. तो अ बॉय इज हियरिंग अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क. ओके बेटा. सिक्स इज दैट मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजस्ड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो मैग्नेट की वजह से हमें मिले, मैग्नेट के कारण हमें मिले, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. अब मैग्नेट क्या होता है? वो आयरन के बने हुए पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कई थोड़े डिस्टेंस से ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. तो जो फोर्स हमारे एग्जर्शन होता है मैग्नेट का, वो नील को अपनी तरफ मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक मोटर विच इज़ यूज टू रन अ फैन. इलेक्ट्रिक मोटर जो फैन को रन करने में हेल्प करता है. अदर मशीन्स ऑल्सो प्रोवाइडेड, बहुत सारी मशीन्स में मैग्नेट लगा होता है. सिंस अ मैग्नेट कैन मूव आयरन पार्टिकल्स, क्योंकि क्या करता है मैग्नेट, मूव कर सकता है मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को. इट इज़ सेड टू बी अ पजेस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो पजेस, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वर्क कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क. सो इट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी. इन फैक्ट्रीज आयरन स्क्रैप मतलब हो गया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डंप में आयरन के पार्टिकल्स फेंक दिए जाते हैं, तो उसको हम वेस्ट मटेरियल से किस तरीके से यूज निकालें उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो क्या सॉरी मैग्नेट को, तो हम उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा लेते हैं. ये क्रेन टाइप का है ना, आपको दिख रहा है. इन फैक्ट्रीज आयरन स्क्रैप इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाई यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स्ड इन द क्रेन. ये क्रेन है, क्रेन में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स कर देते हैं. तो जब इस डंप के नीचे मटेरियल लेकर आएंगे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये अपनी तरफ सारे आयरन पार्टिकल्स को खींच लेगा. एंड दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज सिक्स टाइप्स ऑफ एनर्जीज. सो इट इज मच फॉर टूडे. आई विल एक्सप्लेन the two last two energies on tomorrow. So please watch it carefully and try to understand. I hope that you will able to understand with this video. Thank you for watching.